Assalamualaikum, my dear students, how are you? I hope you will all fine. My dear students, chemistry 10th class chapter number 11, lesson number 35 में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी जो क्लासिफिकेशन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है. सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी है उसी क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करती है. अगर आप क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको चैप्टर का बाकी सब समझना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है जी. इसके अलावा आप माय डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप चैप्टर नंबर 9 की एमसीक्यूज करेंगे 7 to 13. ठीक है जी. माय डियर स्टूडेंट्स अब हम टॉपिक पढ़ेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. माय डियर स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन स्केलेटन के लिहाज से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को माय डियर फ्रेंड्स टू क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है. एक है हमारी ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड. ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड. जबकि सेकंड टाइप हमारी होती है जी क्लासिफिकेशन की, उसे कहते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड. माय डियर फ्रेंड्स ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? देखिए जी ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच एंड कार्बन आर नॉट ज्वाइंट विथ ईच अदर. इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स. माय डियर स्टूडेंट्स ओपन चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो आपकी एंड कार्बन होती है, मसलन जो आपकी साइडों वाली कार्बन होती हैं, जो आपकी आखिरी कार्बन एटम्स होते हैं वो ज्वाइन नहीं होते एक दूसरे के साथ. जो आप ज्वाइन नहीं होंगे तो उनके एंड्स कार्बन क्या होंगे? फ्री होंगे. ठीक है जी. इस तरीके से वो क्या बनाएंगे जी? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बनाएंगे. ये मैंने नीचे एक एग्जाम्पल कोड किया जी. देखें ये मैंने 6 कार्बन बनाई हैं और हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जी. आप काउंट कर लीजिए, मैंने 4 बॉन्ड बनाए हैं, जो से मर्जी कार्बन काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 4 इसको देख लीजिए. 1, 2, 3, 4 जिसको मर्जी देख लीजिए, 4 बॉन्ड्स है उसके. अब हर लाइन की जगह पर अगर मैं एक हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा, ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं हर लाइन की जगह पर क्या अटैच कर दूं, एक हाइड्रोजन अटैच कर दूं, देखिए जी हम यहाँ पे हर हाइड्रोजन साथ में अटैच कर दूं जी, हर बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर दूं. हर एक के साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर दो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है जी. ये देखिए ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. यहाँ मैंने इसको हाइड्रोजन को कंबाइन करके लिख दिया जी. इसके आपके साथ 3 हाइड्रोजन लगी है जी, 1, 2, 3. इसके साथ 2 लगी हैं, इसके साथ 2 लगी हैं, इसके साथ 2 हैं, इसके साथ 2 हैं और लास्ट के साथ फिर 3 हैं. इसे कहते हैं जी नॉर्मल हेक्सेन. क्या कहते हैं जी? इसे नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं जी. क्या कहते हैं? नॉर्मल हेक्सेन. हेक्सा कहते हैं जी 6 को. हेक्सा किसे कहते हैं? 6 को. देखिए कार्बन का यहाँ पे 6 है तो इसलिए नॉर्मल कहते हैं स्ट्रेट चेन को. अब ये आपकी पहली कार्बन है और ये आपकी आखिरी कार्बन है. पहली कार्बन और आखिरी कार्बन के साथ मजीद आगे कार्बन नहीं लगेगी. ये दोनों क्या है? बिल्कुल फ्री हैं जी. फ्री कहते हैं जो आगे कार्बन का अटैच ना हो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स अब आ जाइए क्लोज चेन पे. क्लोज चेन जिन्हें साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन एटम्स एट द एंड, जो एंड ऑफ द चेन के ऊपर कार्बन एटम होते हैं, आर नॉट फ्री. वो फ्री नहीं होते बल्कि दे लिंक टू फॉर्म अ रिंग. वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं जी? रिंग बनाते हैं. माय डियर स्टूडेंट ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लिखे हैं. अगर मैं इस कार्बन को अपने कार्बन को 1 नंबर दे लूँ, 1, 2, 3, 4 तो देखिए 1 कार्बन सेकंड के साथ अटैच है और 4 के साथ अटैच है. 2 कार्बन 1 के साथ भी अटैच है और 3 के साथ भी अटैच है. तो कार्बन 3 जो है वो 2 और 4 के साथ अटैच है और कार्बन 4 जो है वो 3 और 1 के साथ अटैच है. तो कोई भी कार्बन फ्री नहीं है, हर कार्बन एक दूसरे साथ के बना रही है, लिंक बना रही है, जिसे कहते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड. ये देखिए ये क्लोज चेन है. ठीक है जी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स दोबारा देख लीजिए, क्लोज चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं. इनके अंदर जो कार्बन एटम होते हैं एट द एंड ऑफ द चेन
वो फ्री नहीं होते, बल्कि एक दूसरे क्या बना लेते हैं जी, लिंक बना लेते हैं, और लिंक बना क्या करते हैं जी, रिंग बना लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसे साइक्लोब्यूटेन से कहते हैं, ब्यूटेन माय डियर स्टूडेंट चार कार्बन को कहते हैं, ब्यूटा से लेकर निकला है और साइक्लो से कहा है चूंकि ये क्लोज है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड की दो टाइप्स होते हैं जी, माय डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और एक को कहते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो पहले स्ट्रेट चेन देखते हैं। कार्बन इन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट चेन कंपाउंड अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, तो मैंने यहाँ पे वही एग्जांपल दोबारा रिपीट कर दी है, 6 कार्बन मैंने आपको पहले सिखाई थी। यहाँ मैंने 4 कार्बन लिए हैं और हर कार्बन साथ मैंने क्या किया है, एम्प्टी स्पेस जो होती है उसकी, वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर लिए हैं, और ये मैंने उसी का कंडेंस स्ट्रक्चर बना लिया है। देखिए, इस कार्बन साथ 3 हाइड्रोजन लगी थी, इसके साथ 2, इसके साथ 2 और इसके साथ 3, और ये स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है, स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है ये, और माय डियर स्टूडेंट्स का नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है जी, ये 6 कार्बन है, ठीक है जी, ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन का स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये 4 कार्बन का कंडेंस फार्मूला है। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ज़्यादा माय डियर स्टूडेंट जो होता है, यहाँ से बातें ज़्यादा क्लियर होती है, मैंने दोनों बना दिए हैं। ब्रांच चेन पे आ जाइए, ब्रांच चेन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच देर इज अ ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच लगी होती है, एक ब्रांच लगी होती है स्ट्रेट चेन के साथ, ठीक है जी, अलोंग अ स्ट्रेट चेन। तो ये देखिएगा, ये स्ट्रेट चेन थी, ये मैंने 5 कार्बन है, देखिए जी 1, 2, 3, 4, 5, तो इस स्ट्रेट चेन के साथ मैंने क्या कर दिया, एक ब्रांच लगा दी है, एक और कार्बन अटैच कर दी है, ये कार्बन कहलाएगी ब्रांच, तो इस पूरी का नाम हो जाएगा ब्रांच चेन कंपाउंड्स। वही एग्जांपल आप यहाँ देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, ये 3 कार्बन स्ट्रेट चेन थी, तो इस स्ट्रेट चेन के साथ ये जो मैंने कार्बन लगाई है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये ब्रांच चेन हो जाएगी, ठीक है, ये ब्रांच चेन लग गई है, तो सारे का नाम क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन कंपाउंड। याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर ड्रा करना बहुत आसान है, आप यहाँ पे 3 कार्बन लिखेंगे, 1, 2, 3, हर एक के साथ 3 लेंथ पूरी कर देंगे, और लेंथ के साथ करेंगे खाली जगह पे हाइड्रोजन लगा लेंगे। अब यहाँ चूंकि आपने कार्बन अटैच कर ली है, तो देखिए इसकी लेंथ 1, 2, 3, 4, ठीक है जी, खाली जगह लग जाएगा हाइड्रोजन लग जाएंगी, इसकी देखिए 1, 2, 3, इसकी देखिए खाली जगह से ये थी तो एक हाइड्रोजन आ गई, यहाँ इसकी एम्प्टी स्पेस 3 थी तो 3 हाइड्रोजन आ गई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसी का कंडेंस फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, इस कार्बन साथ 3 हाइड्रोजन लगी है जी, 1, 2, 3, तो हो जाएगा H3C, ये लिखा हुआ है जी, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन लगी है तो CH हो जाएगा, ये एक ब्रांच लगी है जी CH3, ये ब्रांच लग गई, ये भी CH3 है, ये CH3 आ गया, तो ये स्ट्रेट चेन के साथ लगी हुई है ब्रांच लगी हुई है, तो उसका नाम है जी आइसोब्यूटेन कहते हैं जिसमें 4 कार्बन साथ एक ब्रांच लगी हो, आइसोब्यूटेन, ठीक है जी। तो ये क्या थी, ये नॉर्मल ब्यूटेन थी। ये माय डियर स्टूडेंट आपकी ब्रांच चेन की एग्जांपल हो गई, ये जनरल है, ठीक है जी, और ये नॉर्मल ब्यूटेन नाम के साथ लिखी है, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलेंगे, अब हम क्लोज चेन की बात करेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं वो पढ़ेंगे जी। क्लोज चेन की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जबकि एक को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन की दो टाइप्स हैं जी, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। पहले हम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं जी। होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, नाम से वाजे हो रहा है, होमो द सेम, ठीक है, जो कार्बो तक कार्बन, ऐसा रिंग, ऐसा सर्कल, ऐसी क्लोज चेन जो किसकी बनी हो, विच कंटेन रिंग, जिसका जो रिंग हो, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जैसे कि कार्बन एटम।
कि ऐसी चेन, ऐसी क्लोज चेन जो सारी के सारा जो रिंग है वो एक जैसे एटम का बना हो। जैसे ये सारा रिंग किसका बना हुआ है जी, कार्बन का। ये रिंग भी किसका बना हुआ है जी, कार्बन का। अगर रिंग के अंदर सारे एटम एक जैसे हों, ये जो आपको साथ में हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, ठीक है जी। जो आपको रिंग है रियल में वो रेड कलर से मैंने ड्रा किया, वो सारा कार्बन का बना हुआ है। ये रिंग देख लीजिए रेड कलर से मैंने ड्रा किया है, ये भी कार्बन का बना हुआ है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 4 कार्बन हो तो इसे साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। ये 6 कार्बन है, ध्यान से बात सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये 6 कार्बन है। हर कार्बन के साथ देखिए यहाँ बॉन्ड डबल है तो यहाँ बॉन्ड सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अगर ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल के साथ बॉन्ड हो तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं जी, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसका मतलब होता है कि सिंगल के बाद डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए इसकी वैलेंसी पूरी करवाता हूं मैं आपको। इस कार्बन के लिए देखिएगा, इस कार्बन वैलेंसी 4 पूरी करते जी, 1 2 3। एक वैलेंसी कम है तो हमने हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दी है। जहां मर्जी देख लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो वैलेंसी कम होती है वो हम हाइड्रोजन लगा के पूरी कर लेते हैं। इस कार्बन में देखिएगा 1 2 3 4, यहां भी आ जाइए तो इस कार्बन वैलेंसी 1 2 बन रही थी तो 2 हाइड्रोजन लगा ली, 1 2 3 4। इसके देख लीजिए 1 2 3 4, ऐसे हम वैलेंसी पूरी करते हैं। ओके जी, और ये यहाँ देख लीजिए, ये जिसे इसका नाम बेंजीन होता है, जिस 6 कार्बन को बेंजीन कहते हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक में ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे ड्रा किया हुआ है, ठीक है जी। हर कॉर्नर की जो होता है, हर कॉर्नर वो कार्बन को शो कर रहा है जी, हर कार्बन कॉर्नर कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे हाइड्रोजन साथ में नहीं लिखी जाती, ये बेंजीन का जनरल फार्मूला है। इसका रियल फार्मूला ये होता है, मैं बुक में ड्रा नहीं हुआ था, मैंने आपको ड्रा करके दिखाया है। ये बेंजीन का रियल फार्मूला है। वैसे हम बुक्स में बेंजीन को इस तरीके से लिखते हैं, और बेंजीन का फार्मूला होता है जी C6H6। 6 कार्बन होती है और 6 हाइड्रोजन होते हैं जी इसमें। भाई आ जाइए दूसरे साइड पे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो होता है डिफरेंट, मतलब जो आपका रिंग है, रिंग के अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे ना हो, कोई एक एटम भी ऐसा हो रिंग के अंदर जो कि डिफरेंट हो। देखिए जैसे साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम इन देयर रिंग आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए जी, ये जो आपको रिंग नजर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिंग के अंदर, इस रिंग में क्या हुआ जी, इस रिंग के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स आप गौर करके देखिए तो इस रिंग के अंदर ये जो सल्फर है ये डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। बाकी सारे कार्बन हैं, रिंग के अंदर ये क्या आ गया, सल्फर डिफरेंट हो गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल हो गई। इस रिंग को देख लीजिए, इस रिंग के अंदर सारे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन लग गई तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल हो गई। ओके जी, इनके फार्मूला याद करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं थायोफीन। थायोफीन में कार्बन कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ कार्बन कार्बन दोनों डबल बॉन्ड होते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड होता है और नीचे सल्फर लगा होता है, इसे थायोफीन इसका नाम है माय डियर स्टूडेंट। ये सारे का सारा बेंजीन होता है, सारे का सारा बेंजीन है, बस करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, किसके यहाँ पे क्या लगा होता है जी, माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसके एन लगा होता है, तो इसका नाम पड़ जाता है पाइरिडीन। क्या नाम होता है इसका, पाइरिडीन। एक्चुअली होना ही चाहिए था कि माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे इस सब के साथ का लगेगा, देखिए यहाँ पे रियलिटी में इस सब के साथ का लगा होता है, यहाँ पे एक एक एच लगा होता है, फिर वैलेंसी पूरी होगी इसकी, ठीक है जी। ऐसे यहाँ पे एक एच लगा होगा जी, 1 2 3 4, ठीक है जी। इसका देख लिए 1 2, यहाँ पे एक एच लगा देगा, ठीक है जी। यहाँ पे एच नहीं लगाना क्योंकि एस की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 पूरी हो रही है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसके रियल स्ट्रक्चर्स हैं, आपके टेक्स्ट बुक में जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन को शो नहीं किया गया, ठीक है जी। टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे, जो आपको टेक्स्ट बुक नजर आएगी, आप टेक्स्ट बुक देखेंगे यहाँ पे सिंपली का लिखा होगा जी, इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रा किया होगा। यहाँ पे सेंटर में एस लिखा होगा, यहाँ बॉन्ड ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ। रियलिटी में थायोफीन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, लेकिन बुक में आपको उसका शॉर्टकट शो किया हुआ है। ऐसे पाइरिडीन का स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो आपके बुक के अंदर सिंपली बस ऐसे ड्रा किया हुआ ऐसे, ठीक है जी। और यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा जी, डबल डबल डबल, बस ये देखिए उस बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ पाइरिडीन का, ठीक है जी। ये किसको शो कर रहे जी, आपके एन को शो कर रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके टेक्स्ट बुक का स्ट्रक्चर है, रियलिटी में ये इस तरह का होता है। मैंने आपको समझाने के लिए रियल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम क्या करेंगे जी,
हम होमोसाइक्लिक जिसे कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, हम इसके दो टाइप्स होते हैं जो वो पढ़ते हैं। होमोसाइक्लिक की एक टाइप होते हैं जिसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजनाइड कंपाउंड भी कहते हैं, बेंजनाइड कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, नाम से वाजह है, बेंजनाइड के नाम से देखिएगा, दे कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीनिक। माय डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर कम अज कम एक बेंजीनिक लाजमी होता है जी, इनके अंदर कम अज कम एक बेंजीनिक लाजमी होता है जी, एट लीस्ट वन बेंजीनिक इन देयर मॉलिक्यूल। अब ये बेंजीनिक क्या होता है ये देख लेते हैं। बोर्ड में शॉर्ट आता है डिफाइन बेंजीन, तो लिखेंगे अ बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ सिक्स कार्बन, ये सिक्स कार्बन का बना होता है विद थ्री अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। तो ये देखिए जी, मैंने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिखाया है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर सिक्स, इसमें कार्बन होते हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब होता है अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड का मतलब होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। फिर मैंने हर कार्बन की लेंथ से पूरी किया जी, 1 2 3, एक लेंथ से कम थी तो मैंने हाइड्रोजन लगा ली, चार लेंथ होती है कार्बन की, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपकी बुक के अंदर बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया गया है, ठीक है जी। ये हर कार्बन, हर कॉर्नर जो है ये सिक्स कॉर्नर है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हर कॉर्नर किसको शो कर रहा है जी, एक कार्बन को शो कर रहा है, और ये अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड आ गए हैं, और यहाँ पे अंडरस्टूड बात होती है, हम हाइड्रोजन नहीं लिखते। बेंजीन इसकी एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल है नेप्थलीन। नेप्थलीन में आप क्या करते हैं, दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ देते हैं और कुछ नहीं किया जी, देखिए ये बेंजीन रिंग है तो हमने इस तरह का एक और बेंजीन रिंग बनाकर उनको आपस में जोड़ दिया है, इसे नेप्थलीन कहते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आता है राइट द फॉर्मूला ऑफ नेप्थलीन, तो बस ये लिखना होता है। इसके अदर साइड पर आ जाइए तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को नॉन बेंजाइड भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। क्या कहते हैं, नॉन बेंजाइड कंपाउंड भी कहते हैं, तो इनकी डेफिनेशन लिखा हुआ है जी, दे डोंट हैव बेंजीन रिंग, दे डोंट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग नहीं होता जी। ये देखिए जी, इसकी एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन, पहले भी हमने ड्रा करके दिखाई आपको, तीन चार तो मैंने ड्रा की माय डियर स्टूडेंट्स, और ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें देखिए फिर छह कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, सिक्स कार्बन है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड नहीं है। ये बेंजीन में देखिए अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल है, चेक कीजिए, सिंगल 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 सिंगल। जब सिंगल बॉन्ड होता है लेंसी पूरी की जाए, इस कार्बन की लेंसी पूरी करते हैं जी 1 2, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे ताकि फोर लेंसी पूरी हो जाए, हर एक ऐसी होगा जी। कोई देख लीजिए, इसकी देख लीजिए 1 2 3 4, इसकी देख लीजिए 1 2 3 4, इसका देख लीजिए 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ये हमारा आज का टॉपिक था जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बोर्ड के लिहाज से, शोर्ट आता है, बाद का लोग कैसे आता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, शोर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब हम आज की एक्सरसाइज करते हैं, जो हमने अपना सिलसिला शुरू किया एक्सरसाइज का, उसे स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी स्मॉल, जब आपके केस की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो बताइए। ऑप्शन है देखिए जी, पहले ऑप्शन है एक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टैब्लिश, एक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आता, ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, क्या सारे ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कब वाला, जब वैल्यू ऑफ केसेस स्मॉल होती है। नेक्स्ट है जी, रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, क्या रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है, और लास्ट वन है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल, या प्रोडक्ट्स आपके कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, की राइट ऑप्शन है, हमने पढ़ा था जब वैल्यू ऑफ केसी बहुत स्मॉल होती है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होती है जी, नेग्लिजिबल होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, का रेफरेंस पेज नंबर 13 पे मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी बुक का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 13 है। देखिए, जब वैल्यू ऑफ केसी स्मॉल होती है तो उस वक्त देखिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जी, नेग्लिजिबल होते हैं। मैंने सिर्फ रेफरेंस कोड किया है ताकि आपको राइट ऑप्शन तलाश करने में आसानी हो जाए। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी होगी तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होंगे जी, नेग्लिजिबल होंगे। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शन द रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट एक्विलिब्रियम स्टेट हैव, ऐसे रिएक्शन जिनकी जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, जिनकी लिखे से बताया कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपेरेबल हैं, यानी कि ना तो उसके प्रोडक्ट्स बहुत कम हैं ना उसके रिएक्टेंट्स बहुत कम हैं, बल्कि दोनों क्या हैं, आपस में ऑलमोस्ट कंपेयर हो सकते हैं। तो हमने बताना है कि उसकी केस की वैल्यू कैसी होगी, क्या उसकी वेरी स्मॉल केसी वैल्यू होगी, वेरी लार्ज केसी वैल्यू होगी,
या मॉडरेट कैसी वैल्यू होगी, या इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। तो माय डियर यार कीगा, हमने पढ़ा था कि अगर वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कंपेरेबल हो तो तब वैल्यू ऑफ केसी मॉडरेट होती है, यानी कि नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। आपने से पढ़ा हुआ है नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, और मॉडरेट का मतलब ये होता है कि ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, बल्कि मॉडरेट वैल्यू। इसका रेफरेंस देखिए, इसका रेफरेंस आपको पेज नंबर 13 पे मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, का रेफरेंस देखिए पेज नंबर 13 पे, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, इट्स मीन के केसी वैल्यू जो है, ठीक है जी, क्या होगी है कंपेयरेबल। देखिएगा तो इसका रेफरेंस हम देखेंगे, ये है जी इसका रेफरेंस, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, ये इसका रेफरेंस है जी, ना केसी वैल्यू बहुत छोटी है और ना ही बहुत बड़ी है, यानी कि कंपेयरेबल है, मॉडरेट है। मॉडरेट कहते हैं जी जो ऑलमोस्ट ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो। देखिए जी, तो जब वैल्यू ऑफ केसी ना बहुत छोटी होगी ना बहुत बड़ी होगी तो उसमें देखिए लिखा हुआ है सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, तो उसके अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कंपेरेबल होते हैं तो केस की वैल्यू क्या होती है, माय डियर स्टूडेंट, मॉडरेट होती है। मॉडरेट कहते हैं कि ना बहुत स्मॉल है ना बहुत लार्ज है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट देखिए, 9 एमसीक्यू हमारा, एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम द रिएक्शन स्टॉप टू प्रोसीड, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है क्या रिएक्शन रुक जाता है, नहीं रिएक्शन रुकता नहीं है। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट का इक्वल होना जरूरी नहीं होता। द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, जी स्पीड को रेट भी कहते हैं, स्पीड इक्वल हो जाती है जी इनकी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और डी ऑप्शन क्यों नहीं ठीक हो सकती जी, द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स, रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, नहीं भाई डियर स्टूडेंट, माई डियर स्टूडेंट, रिएक्शन रिवर्स भी होता है फॉरवर्ड भी होता है लेकिन इक्वल स्पीड में होता है। तो ऑप्शन सी इसकी करेक्ट है जी, इसका रेफरेंस पेज नंबर 4 पे कोड किया हुआ है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका रेफरेंस देखिए पेज नंबर 4 पे इसका रेफरेंस है जी, इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। माय डियर स्टूडेंट, ये रेट से मुराद स्पीड भी होती है, ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी सी ऑप्शन ठीक मानी थी वहां पे, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर एक हमने स्टार्ट पे डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर के स्टार्ट पे, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल हो तो क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, लिखा है नेवर एस्टैब्लिश, कभी एस्टैब्लिश नहीं होता, ये ऑप्शन ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्शन रिवर्स नहीं आएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्टर्स नहीं बनाते, जब रिएक्शन वापस नहीं आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स इक्वल कैसे हो सकता है। बाकी ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, एस्टैब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कहते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता जी। माय डियर सी ऑप्शन लिखी है जी, एस्टैब्लिश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, किसका बोला, इरिवर्सिबल रिएक्शन का। ऐसे भी नहीं होता रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन जो होते हैं इनका कैसे डायनामिक आ सकता है, क्योंकि उसमें रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रहा। एस्टैब्लिश रेडियली, रेडियली होता है किसी वक्त भी एकदम पैदा हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसे भी नहीं होता। माय डियर सो याद रखिएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं होता, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन मूव नहीं करता। अब इसका रेफरेंस दिखाते हैं जी पेज नंबर 2 के ऊपर। माय डियर सो, ये इसका रेफरेंस देख लीजिए, देखिए जी पेज नंबर 2 पे रेफरेंस है इसका, कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें प्रोडक्ट्स डोंट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जब आपके प्रोडक्ट्स ही दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में नहीं आएगा, जब रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में नहीं आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स कैसे इक्वल हो सकता है, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वली नहीं होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश हो सकता है। तो याद रखिएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर एस्टैब्लिश, कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट, आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास 11 एमसीक्यूज है हमारे पास, अ रिवर्स रिएक्शन इज वन, हमने रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी लिखी होगी, देखें जी, रिवर्स रिएक्शन इज वन विच प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। माय डियर स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी रिवर्स रिएक्शन की नहीं बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन की होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट जाता है, रिवर्स रिएक्शन तो राइट से लेफ्ट होता है, ये नहीं हो सकती। इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, माय डियर स्टूडेंट, ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन प्रॉपर्टी है, रिवर्स रिएक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, रिवर्स रिएक्शन के अंदर तो प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं, तो ये भी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। फिर जी विच स्लो डाउन ग्रेजुअली, माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, रिवर्स रिएक्शन जो होता है स्लो डाउन ग्रेजुअली नहीं होता बल्कि स्पीड अप ग्रेजुअली होता है, ये भी नहीं हो सकता। फिर लिखा हुआ जी, रिवर्स रिएक्शन इज वन
विच स्पीड अप ग्रेजुअली, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है जी। जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाता है। इसका रेफरेंस पेज नंबर 6 मैंने दिखाया जी आपको। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए पेज नंबर 6 के ऊपर इसका रेफरेंस है जी, रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप ग्रेजुअली, रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप ग्रेजुअली। मैंने आपको सर राइट ऑप्शन दिखाई है इसकी, बाकी आप साइड टेबल को जब स्टडी करेंगे तो आपको चलेगा कि यही वो ऑप्शन है जो उससे मैच कर रही है कि रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं जी, स्पीड अप ग्रेजुअली। माय डियर स्टूडेंट ये जो एमसीक्यू नंबर 12 है ये बहुत कंसेप्चुअल है, बड़े ध्यान समझिएगा। कहता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्शन किया, रिएक्टिव टुगेदर टू मेक अमोनिया, अमोनिया गैस बना दी। बिल्कुल ठीक है जी, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, अमोनिया गैस बन गई। उसने केसी आपको खुद बता दिया है 2.86 ठीक है जी पर स्क्वायर मोल, ठीक है जी 6 क्यूबिक डेसीमीटर। माय डियर सर याद रखिएगा, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा यहाँ पे जो केसी की वैल्यू आई है वो ना तो बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, ये कंपेरेबल है। जब वैल्यू कंपेरेबल होगी तो उसने आगे पूछा ये है बताइए व्हाट विल प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या क्या होगा। माय डियर सर अगर तो इसकी वैल्यू बहुत हाई होती तो मैं कहता जी इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि अमोनिया प्रोडक्ट्स है, तो ये नहीं हो सकता। अगर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इसकी केस वैल्यू बहुत स्मॉल होती तो मैं कहता जी रिएक्शन के अंदर ऑलमोस्ट क्या है रिएक्टेंट्स हैं, तो सी ऑप्शन होती वो भी नहीं हो सकती। हाइड्रोजन ओनली ये तो सवाल नहीं पैदा होता हाइड्रोजन ओनली होने का, क्योंकि रिएक्टेंट्स दो हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू कंपेरेबल है। जब वैल्यू कंपेरेबल होगी तो उसके अंदर रिएक्टेंट्स भी होंगे प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो आप लिखेंगे कि इस कंडीशन में जब केसी की वैल्यू ये होगी यानी कि मॉडरेट होगी, नीदर स्मॉल नॉर लार्ज होगी, जब इसकी नॉर्मल सी वैल्यू होगी इसकी, तो माय डियर स्टूडेंट आपके रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी और अमोनिया गैस भी होगी। इसका रेफरेंस जो है पेज नंबर 30 में मैंने अभी आपको करवाया था कंपेयरेबल वैल्यू ऑफ केसी वाला, ठीक है तीसरे ऑप्शन में, थर्ड नंबर पे आता है ये, आपको शो करा देता हूँ। वहाँ भी लिखा नहीं होगा, बस वहाँ मैंने आपको ये वैल्यू बतानी है, जो वैल्यू कंपेयरेबल हो तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की अमाउंट्स कंपेयरेबल होती हैं, इसलिए भाई ये सब कुछ मौजूद होगा, रिएक्टेंट्स भी काफ़ी हद तक होंगे और प्रोडक्ट्स भी काफ़ी हद तक होंगे। माय डियर स्टूडेंट ये हमारा पेज नंबर 13 है, तो यहाँ पे देखिए जब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है जी कंपेयरेबल होती है, ठीक है नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, तो उसमें क्या होते हैं जी उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के होते हैं कंपेयरेबल होते हैं, यानी कि उस वक्त ये भी मौजूद होगा रिएक्शन में और ये भी मौजूद होगा। ये मैंने जस्ट रेफरेंस दिया है, वैसे मैंने ये वाला एमसीक्यू आपको एमसीक्यू नंबर 12 के अंदर आपको अच्छे से गाइड कर दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 13 है फॉर अ रिएक्शन बिटवीन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का क्लोरीन गैस रिएक्शन करवाना है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है, कहता है बताइए इसके यूनिट्स क्या होंगे। नीचे से वो यूनिट्स लिख दिए हैं, तो यहाँ देखिए मैंने सी ऑप्शन ठीक कर दी है, लेकिन सी ऑप्शन कैसे ठीक है माय डियर स्टूडेंट, पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर कैसे ठीक हो गया है और बाकी यूनिट्स क्यों ठीक नहीं है, इसे करने के लिए मैं रेफरेंस नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ, लेकिन मैं आपको खुद करके दिखवाता हूँ कि ये यूनिट्स क्यों ठीक हैं और बाकी यूनिट्स क्यों ठीक नहीं हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ये देखिए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ने क्लोरीन से रिएक्शन किया है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन गया है, इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो ऊपर प्रोडक्ट्स लिखते हैं, नीचे रिएक्टेंट्स लिखते हैं, ये प्रोडक्ट्स ऊपर आ गए, रिएक्टेंट्स आपके नीचे आ गए। माय डियर स्टूडेंट्स फिर आपने इसके मोलर कंस यूनिट लिखे, तो पीसीएल 5 का यूनिट हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, पीसीएल 3 का हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और क्लोरीन का भी हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। माय डियर स्टूडेंट ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल कर दीजिए, बाकी आ जाएगा 1/ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। माय डियर स्टूडेंट इसे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये मोल पर वन है, ऊपर जाके पर मोल हो जाएगी, ये पर क्यूबिक डेसीमीटर था ऊपर जाके क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। ऊपर जाके जब वैल्यू ऊपर जाएंगी तो वैल्यू इसके साइन चेंज हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास केसी की राइट ऑप्शन आएगी इसके लिए, केसी के यूनिट्स आएंगे पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर। तो आप जब टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू नंबर 13 देखेंगे पेज नंबर 17 के ऊपर तो आपको राइट ऑप्शन नजर आएगी, सी ऑप्शन इसकी राइट है जी पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर। माय डियर स्टूडेंट टास्क फॉर टुडे में आज क्या करेंगे जी, छोटी छोटी डेफिनेशन जी एग्जांपल के साथ कीजिएगा, तमाम डेफिनेशन मैंने आपको एग्जांपल के साथ करवाई हैं, कुछ मैं बुक में नहीं लिखी हुई, फिर मैंने आपको उसको लेसन के अंदर डायग्राम्स और उनके एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट खासतौर पर स्पेशल की जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिख के दिखाई हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स, क्लोज चेन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड,
ठीक है जी, डिफाइंड बेंजीन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और लास्ट में माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए हैं चैप्टर नंबर 9 के 7 to 13 जो हमारे कल रह गए थे, जो कल से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अस्सलामुअलैकुम।